Assalamualaikum friends, welcome to Raisha's Kitchen. Here I am back with another Ramzan special recipe, veg wontons. These wontons are very simple and easy to make. So without any delay, आइए recipe start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम wontons की filling बनाना start करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 to 4 tablespoon oil add किया है. उसमें 1 tablespoon ginger garlic paste add करेंगे. अब यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लेनी है, जिसमें मैंने कैरेट और कैप्सिकम को सबसे पहले ऐड किया है और उसको अच्छे से सौते करेंगे. अब इसमें 1 cup श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे. मोस्टली वॉन्गटोंग्स चिकन फिलिंग के साथ बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने वेज के साथ ट्राई किया और ये बहुत मज़े के बने, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ. अब यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हम उसमें बंद गोभी ऐड करेंगे. मेक श्योर कि हमें वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, वरना इनकी सारी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल सॉगी सा मिक्सचर बन जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए. अब यहाँ एज रिक्वायर्ड सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पर मेन इन्ग्रीडियंट 1/2 tablespoon टिक्का मसाला ऐड करना है, 1 teaspoon वाइट पेपर पाउडर, 1 teaspoon मिक्सड हर्ब्स या ऑरिगैनो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 teaspoon चाइनीज़ सॉल्ट. अब यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट चिकन पाउडर ऐड करना है. काफ़ी लोगों को शिकायत है कि चिकन पाउडर हमें हलाल नहीं मिल पाता है. मैंने यहाँ पे देशी कंपनी का चिकन पाउडर यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल हलाल है और ये पाकिस्तान में बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है. तो हमने इसमें 1 teaspoon चिकन पाउडर ऐड कर दिया है. अब यहाँ पर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 tablespoon चिली सॉस ऐड किया है, 1 tablespoon सोया सॉस और 1 tablespoon ही इसमें विनेगर ऐड कर देंगे. इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा करके रख लेंगे. यहाँ मैंने स्क्वायर शेप की मांडा पट्टी ली है, आप वॉन्गटोंग्स का बोल के भी ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी. अब इसमें थोड़ी सी वॉन्गटोंग्स की फिलिंग ऐड करेंगे. यहाँ मैंने बाइंडिंग के लिए मैदे की स्लरी बना ली है, उसको हम इनकी 2 opposite साइड्स पर लगाएंगे, इसको ट्रायंगल शेप में पेस्ट कर देंगे. अच्छे से इसको हमें पेस्ट करना है, कुछ इस तरह का ये शेप बन जाएगा. अब इसकी एक कॉर्नर पे हमें बाइंडिंग पेस्ट लगाना है. अब इनके दोनों कॉर्नर्स को हमें ऑपोजिटली फोल्ड कर देना है और यहाँ पे ये वॉन्गटोंग का शेप तैयार हो चुका है. आई होप आपको बनाना आ गया होगा. इसी तरह से हम सारे वॉन्गटोंग्स बना के रख लेंगे. इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने वॉन्गटोंग्स को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम पे रख दिया है. इन्हें हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे, जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होंगे. और फाइनली इफ्तार के लिए यहाँ पे जबरदस्त से वेज वॉन्गटोंग्स बनके तैयार हैं. So crispy and delicious. I hope you like the recipe. Inshallah, फिर मिलेंगे new recipe के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.